भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आज आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 के 33वें मुकाबले में मैच की दूसरी गेंद पर ही बोल्ड हो गए। शुभम गिल के साथ भारतीय पारी की शुरुआत करने आए रोहित शर्मा ने पहले गेंद पर चौका जड़ा, लेकिन अगली गेंद पर मधु सना ने उन्हें बोल्ड किया। श्रीलंका द्वारा पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद भारतीय टीम की पारी शुरू हो गई। श्रीलंका ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। श्रीलंका ने अपनी प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया, जबकि टीम इंडिया ने किसी बदलाव के उतरी है। भारतीय टीम के इस मैच को जीतना का सफर सेमीफाइनल पहुंचना चाहेंगी, बल्कि टीम लगातार 7वीं जीत भी दर्ज करना चाहेगी। दूसरी ओर श्रीलंका इस मैच में करो या मरो की स्थिति में, यदि श्रीलंका मैच हार जाती है तो वर्ल्ड से बाहर हो जाएगी। ऐसे में श्रीलंका आज भारत को कड़ी टक्कर देना चाहेगी।